नमस्कार सारा मीडिया फ्रेंड्स, आपके ज़रिए से मैं दिमासा वासियों को कुछ बात कहना चाहता हूँ। देखिए, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ ऑर्डर निकला है बाय वेस्ट ईस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ईस्ट डिवीज़न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। उसमें ये लिखा है कि बैम्बू शूट्स आर हियर बाय प्रोहिबिटेड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाफलोंग फॉरेस्ट डिवीजन ईस्ट हाफलोंग फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स टिल 30/9/2024। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक नंबर वन हो गया आपका फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट। अगर देखते हैं 2017 को, उसमें साफ साफ लिखा है कि बैम्बू इज नॉट ए प्लान, इट्स अ ग्रास, और ये फॉरेस्ट उसे रिमूव कर दिया है। क्लॉज थ्री, अगर आप क्लॉज टू ऑफ द अमेंडमेंट अगर देते हैं, जो गैजेट नोटिफिकेशन भी हो, बिल भी पास हो गया 2018 में, ये गैजेट नोटिफिकेशन हुआ कि बैम्बू हैज बीन रिमूव फ्रॉम द आपका फॉरेस्ट आइटम्स। और ये इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारा चीज़ें, जैसे बैम्बू का फॉरेस्ट के अंदर हो लाया बोल के बहुत सारा ये बिजनेस इसमें नहीं होता हो पाया बोल के, दिस ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने सारा, अभी अगर देखते हैं बहुत सारा देश में ये बैम्बू हैज़ बीन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि फॉरेस्ट से ये बैम्बू बाहर रखेगा, क्योंकि ये ग्रास है। इसलिए द बैम्बू, अगर आपको क्लॉस टू, आपको क्लॉस सेवन ऑफ सेक्शन टू ऑफ द अमेंडमेंट अगर देखते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि बैम्बू हैज़ बीन कटिंग ऑफ बैम्बू एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ बैम्बू फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट एरिया एंड प्लांटेशन, प्राइवेट प्लांटेशन से, उसमें कोई तरह का बाधा नहीं होगा, कोई परमिशंस परमिट का दरकार ही नहीं। तो इसलिए इसमें बहुत सारा चीज़ें इसे उल्लेख हुआ कि शायद यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पता नहीं कि ये फॉरेस्ट, इन लोग साफ साफ इसमें ऑर्डर में लिखना था कि ये बैन इसलिए किए कि जो प्रोडक्ट ये बैम्बू शूट्स अगर फॉरेस्ट रिजर्व से निकलता है तो उसको ऊपर बैन करने सकते, लेकिन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एंड प्राइवेट लैंड से ये बिल्कुल कोई ऐसा बाधा दे नहीं सकता, क्योंकि ये खुद एक्ट का अगेंस्ट में, जो आयन का अगेंस्ट में ये ऑर्डर इश्यू हुआ है। इसलिए हम लोग ये गांव वाला लोग को ये कहना चाहता है कि इस क्षेत्र में कि प्राइवेट जो प्लांटेशन है और अनक्लास, इसमें कोई बाधा नहीं है बैम्बू का, बैम्बू शूट हो या आपको मैच्योर बैम्बू काटने में कोई परमिट नहीं लगता है। इसलिए ये चीज़ आप लोग को जानकारी देना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का डेफिनेशंस भी यहाँ में ठीक तरह से क्लेरिफिकेशन, यहाँ से अभी तक काउंसिल ने कुछ खास डिमार्केशन नहीं किया हमारा गाँव, क्योंकि आज के दिन में अगर देखते हैं सब सारा का सारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में गिरता है। ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट दो प्रकार को हो सकता है, ये गवर्नमेंट को भी हो सकता है, गांव वाला लोग को भी हो सकता है। गांव वाला लोग को इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रेवेन्यू विलेज जब आप डिक्लेयर कर देता है, उसको डिमार्केशन आज तक नहीं की, और सबको मालूम है कि यहाँ गाँव वाला लोग के साथ पैसा नहीं, इसलिए ये पट्टा बनाने को मुश्किल होता है, पट्टा नहीं देता है। तो इसलिए इसका मौका को फ़ायदा उठा के ये गवर्नमेंट ये ब्लैंकेट बैन जो कर रहा है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि देखो, गरीब लोग आज यहाँ इतना महंगा हो गया जीने के लिए, महंगा हो गया, जो गरीब परिवार है गांव वाला लोग आज हाजिरा करके कुछ काम करके ये बिक्री करके अपना घर चलाने के लिए, बच्चा लोग को स्कूल फीस भरने के लिए, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए आज मेहनत करता है। तो अगर ये बैन कर देता है तो उन लोग को इनकम क्या होगा? आज झूम भी करने नहीं मिल रहा है उन लोग, झूम भी अगर अनक्लास और इसमें प्राइवेट लैंड, इसको आज तक ये काउंसिल ने आज तक कुछ खास तौर का पॉलिसी नहीं बनाया। इसलिए हम लोग 2019 में बार बार कहता है कि कहा कि अगर कांग्रेस जब भी अगर जीतता है तो हम लोग ये सारा न्यू लैंड यूज पॉलिसी लाएगा, क्योंकि
जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहा था पहले से कि फ्यूचर में ये तरह का प्रॉब्लम आएगा विथ फॉरेस्ट अनक्लासिफाइड एरियाज लेके। तो मैं चाहता हूँ कि ये काउंसिल जल्दी से जल्द एक न्यू लैंड यूज पॉलिसी बनाए ताकि विच इज काउंसिल लैंड और विच इज ये गांव वाला लोग को लैंड, उसको डिफाइन करने के लिए। नहीं तो इस तरह का हैरेसमेंट मिलेगा। ऊपर से ये 2017 एक्ट में साफ साफ लिखा है, ये अमेंडमेंट एक्ट में, कि कोई प्रकार का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनकम इंक्रीज होने के लिए गांव वाला लोग को, इसलिए बैम्बू को कोई तरफ से नॉन फॉरेस्ट एरिया एंड प्राइवेट लैंड में कोई बाधा नहीं देता है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि अगर ये डिपार्टमेंट को आप लोग क्लियर कट ये ऑर्डर, इसमें कोई एम्बिग्विटीज है, साफ साफ लिखना चाहिए था कि फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से कोई भी बैम्बू शूट्स प्लकिंग अलाउ नहीं है और क्लासिफाइड अनक्लास एरिया कौन सा अनक्लास एरिया काउंसिल का है और कौन सा गांव वाला का है, ये भी फॉरेस्ट वाला लोग क्लियर करने से अच्छा होगा ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो बोल के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिर्फ ईस्ट डिवीजन ने लिया है ये ऑर्डर इश्यू किया, व्हाट अबाउट वेस्ट डिवीजन? अगर बंद होता है तो फॉरेस्ट ऐसे डिपार्टमेंट बंद करना है, वो एक डिवीजन बंद करेगा, एक डिवीजन बंद नहीं होगा, ये कैसा सरकार चला रहा है, कैसा डिपार्टमेंट चला रहा है? तो इसलिए इसमें बहुत सारा एम्बिग्विटी है। मैं चाहता हूँ कि गांव वाले लोग नाराज, इसके ऊपर बहुत नाराजगी तो उठाया, बहुत सारा हम लोग को कॉल भी आया, तो इसलिए मैं जरूर ये जरूरी समझा कि बहुत सारा ये नियम हम लोग को गांव वाला लोग मालूम नहीं है। इसलिए मैं कोई भी अगर इस बिल का और इसका गैजेट नोटिफिकेशन अगर कोई भी चाहिए तो हमारा पार्टी के ऑफिस में आए, हम लोग कॉपी आप लोग को सबको देगा। और बहुत सारा ऐसा चीज़ फॉरेस्ट में ऐसा अन जस्टिफाइड होके बहुत सारा ऐसा नियम बना रहा है। हाल ही में आप लोग पता है ना नहीं, इस मार्च महीना में एक गैजेट नोटिफिकेशन आया, लुंगडिंग क्रो जो एबंडेंट विलेज है उसको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। जो गांव पहले एक गांव था लुंगडिंग क्रो बोल के लंगटिंग एरिया में, उसको ऑयल मैक्स का नाम में डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन मार्गरेटिया बोल के उधर में ऑयल मैक्स ने कोई ऑयल ड्रिलिंग किया है, उसको बडली में वहाँ फॉरेस्ट एरिया डाइवर्शन हुआ बोल के यहाँ में हम लोग को डिमासो में लुंगडिंग क्रो को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिए। ये गैजेट नोटिफिकेशन आ गया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक इसी तरह बहुत ये आपका त्लांगो एरिया, उमरा जो सांगबार एरिया में गिरता है, त्लांगो एरिया में भी ऐसा कुछ आया कि डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन नोगांग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ में पत्थर क्वारी किसने बनाया फॉरेस्ट रिजर्व में, तो उसमें डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड हुआ बोल के उसको बडली में त्लांगो में भी रिजर्व फॉरेस्ट बनाने को एक डिसीजन निर्णय लिया है, उसको NOC भी आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दे दिया। तो इसी तरह धीरे धीरे दिमाग का जमीन ये गलत आर्बिट्ररी ऑर्डर्स निकाल के बिना कोई पब्लिक डिस्कशंस ना हो के, पब्लिक हियरिंग ना हो के, ऐसे इसी तरह अगर सारा जमीन खुशी खुशी यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिजर्व डिक्लेयर कर देगा तो लोगों को हाथ में क्या जमीन रहेगा? ऊपर से आज ऐसा ऑर्डर निकाल देता जो बैम्बू शूट काटने का नहीं मिलेगा, बिक्री करने नहीं मिलेगा, ऐसा ब्लैंकेट आर्बिट्ररी ऑर्डर्स का हम लोग अपोज करता है, हाईली कंडेमनेबल। जब हम लोग का इकोनॉमी यहाँ इतना बुरा हालत में है, गांव स्पेशली रूरल सेक्टर में आज कमाई नहीं है लोगों को, उससे घर चलता है। आज देखिए पेंसिल किनने के तक GST लगा दिया, छोटा छोटा चीज़ें में खाने के सामान के ऊपर में भी आज एसेंशियल फूड आइटम्स के ऊपर में भी GST लगा दिया, तो कैसे सरकार चला रहा है? आप बोलता है एग्रीकल्चर में डबल इनकम करेगा 2022 तक, कहाँ हुआ है फार्मर्स लोग का? आज देखिए फार्मर्स लोग का हालत, यहाँ भी देखिए आज ऐसा फॉरेस्ट तरफ से ऐसा ब्लैंकेट बैन कर दिया। इसलिए ये सरकार हम लोग को गरीब को लेनी है, ये सिंपली अपना ये तानाशाही सरकार चला रहा है, ये BJP सरकार, इसको हम लोग विरोध करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।